हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे भारत और आसियान मुक्त व्यापार समझौता के बारे में। देखेंगे इसका किस संदर्भ में भी चर्चा में हाल में और भारत आसियान संबंधों की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। भारत आसियान व्यापार की ताजा स्थिति क्या है और भारत आसियान व्यापारिक संबंधों में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। और सबसे पहले हम आपको मैप्स की तरफ ले चलते हैं और जानते हैं आखिर आसियान समूह में कितने देश हैं आपके और ये है कहाँ। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी, तो इसमें देखेंगे आप लोग कि ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा है, और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे कि ये आपके पड़ोसी हैं, श्रीलंका हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये सभी आपके पड़ोसी देश हैं। याद रखिए, अगर हम लोग आसियान की बात करें तो आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, 8 8 अगस्त 1967। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें आपके 10 सदस्य हैं। कितने टोटल? 10 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं ये इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपका बुनोई, देखिए कंबोडिया, ये आपका कंबोडिया हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, बुनेई, ये बुनेई है आपका, फिलीपींस हो गया ये, ठीक है, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार देख ही लिया आपने, इसमें सिंगापुर है आपका, कहाँ है ये, है सिंगापुर, सिंगापुर, वियतनाम, ये मलेशिया हो गया आपका, वियतनाम हो गया, ठीक है, सभी हो गए, मलेशिया, लाओस, एक बार फिर से सुन लीजिए, बुनेई, ब्रुनोई, ये आपका ब्रुनोई, कंबोडिया, कंबोडिया, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, ये आपका इंडोनेशिया, उसके बाद म्यांमार, आपका ये पड़ोसी म्यांमार है, इसमें फिलीपींस, फिलीपींस आप ये देख रहे हैं, फिलीपींस, सिंगापुर, ये आपका सिंगापुर है, और थाईलैंड, थाईलैंड ये देख रहे हैं, इसकी बैंकॉक है इसकी राजधानी, और वियतनाम, ये आपका वियतनाम है, ये सभी देश इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, आसियान में, याद रखिए। चलते हैं हम लोग वापसी अपने आर्टिकल की तरफ। यहाँ एक शब्द और सुनने को आता है, आखिर ये मुक्त व्यापार होता क्या है? तो आप लोगों को बता दूं कि मुक्त व्यापार इसलिए समझौता किया जाता है कि देशों द्वारा आयात निर्यात में भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, एक तरह से फ्री ट्रेड हो जाता है, फ्री व्यापार हो जाता है। इस पर जो टैक्स होता है, टैरिफ की दुविधाएं होती हैं, परेशानी होती है, वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाती हैं। एक तरह से आप सोचिए कि आपको किसी राज्य में जाना है तो वहाँ ना व्यापार करने के लिए, तो वहाँ ना तो आपको किसी से पूछना पड़ेगा, ना ही आपकी जो भी वस्तु होगी उस पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि आप सोचिए कि टैक्स कोई लगा दे, आप कहीं अपना सामान बेचने जा रहे हैं किसी राज्य में, और उस राज्य ने टैक्स लगा दिया तो आपका सामान महंगा हो जाएगा, वहां जो सामान होगा स्थानीय वो सस्ता रहेगा, तो वो ज्यादा बिकेगा, आपका नहीं बिकेगा, तो इस तरह की सभी दुविधाएं खत्म की कर दी जाती है इसके तहत, ठीक है। वर्ष 2020 भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते का 10वां वर्ष है। भारत आसियान के बीच इस मुक्त वस्तु व्यापार समझौते पर 6 साल की बातचीत के बाद 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किया गया था और 1 जनवरी 2010 को यह लागू किया गया था। यह समझौता 8 अक्टूबर 2009 को बाली, इंडोनेशिया में हस्ताक्षरित भारत आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। भारत आसियान CECA यानी व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता में वस्तु व्यापार के अलावा सेवाओं और निवेश का व्यापार भी आपका शामिल है, जो एक साथ मिलकर भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण करता है। अगर हम लोग भारत आसियान संबंधों की पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत ने शीत युद्ध समाप्त होने के बाद आसियान के साथ अपने संबंध बनाना शुरू किया, तब दोनों पक्षों के लिए आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता का एक प्रमुख एजेंडा था। 1992 में भारत को आसियान का एक क्षेत्रीय भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसने व्यापार, निवेश और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की, और 1995 में भारत को पूर्ण संवाद भागीदार बनाया गया।
जिससे सहयोग के लिए एक व्यापक एजेंडा मिला, जिसमें सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग के क्षेत्र भी शामिल हैं। याद रखिए, ये शीत युद्ध वही है, एक तरफ आपकी अमेरिका महाशक्ति थी और एक तरफ आपकी सोवियत संघ था। शीत युद्ध आपका 1991 में जाकर खत्म हो जाता है, जब सोवियत संघ कई भागों में बंट जाता है। उसके बाद आपकी एक ही महाशक्ति बची हुई थी, अमेरिका। ठीक है, 1992 से 1996 तक, 4 वर्षों से भी कम समय में, आसियान के साथ भारत का दो तरफा व्यापार दोगुना से बढ़कर 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, और वर्ष 2000 सन 2002 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य पार कर गया। कब? 2002 में। भारत ने 8 अक्टूबर 2003 को आसियान के साथ अपने व्यापक आर्थिक सहयोग को सक्रिय करने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रारंभिक समझौते ने एक अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का मार्ग खोल दिया, जिसमें आर्थिक सहयोग के क्षेत्र और आश्वासन बनाने के लिए एक उपाय के रूप में विनिमय के लिए वस्तुओं की एक आम सूची शामिल थी। भारत और आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार पर एक समझौते के लिए वार्ता भी मार्च 2004 में शुरू हुई। यह वार्ता 6 साल तक चली आपकी, जिसमें के बाद आपने 13 अगस्त 2009 को बैंकॉक में आयोजित आसियान के आर्थिक मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत आसियान मुक्त वस्तु व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत और आसियान के बीच वस्तुओं के मुक्त व्यापार का यह समझौता आपका 1 जनवरी 2010 को प्रभाव में आया। इस पर हस्ताक्षर आपके 13 अगस्त 2009 को हो गए थे, लेकिन आपका जो लागू हुआ यह समझौता वो आपका 1 जनवरी 2010 को प्रभाव में आया। 9 सितंबर 2014 को भारत ने औपचारिक रूप से आसियान के साथ सेवा व्यापार और निवेश व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर किया। सेवा समझौते ने भारत और आसियान के बीच जनशक्ति और निवेश दोनों के विनिमय के रास्ते खोल दिए। भारत आसियान व्यापार की ताजा स्थिति की, अगर हाल की स्थिति की हम लोग बात करें, तो FTA पर हस्ताक्षर करने के बाद से आसियान के साथ भारत का कुल व्यापार बढ़ा है। यह 2018-19 में 96.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और 2025 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। FTA पर हस्ताक्षर के बाद आसियान के सदस्य देशों जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और लाओस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत से निर्यात काफी हद तक बढ़ गया है। भारत द्वारा किए जाने वाले आयात में सबसे ज्यादा वृद्धि वियतनाम से हुई है, इसके बाद फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड से होने वाले आयात में भी काफी वृद्धि हुई है। वो क्षेत्र जिनमें निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, उनमें आपके शामिल है वस्त्र, खाद्य उत्पाद, अन्य खाद्य फसलें, लकड़ी के उत्पाद, मत्स्य पालन, खनिज उत्पाद, मशीनरी, पेय पदार्थ, तंबाकू, चमड़े और चमड़े के उत्पाद आपके शामिल हैं। भारत से आसियान को निर्यात 2010 में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में आपका 37.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। उसी अवधि में इसका आयात 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 59.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत के लिए व्यापार के संतुलन में बढ़ती विषमताओं ने चिंताएं बढ़ाई हैं, क्योंकि FTA से पहले भारत का आसियान के ज्यादातर सदस्य राज्यों के साथ एक अनुकूल व्यापार संतुलन हुआ करता है। एक बार आप लोग मैप्स में देखिए, इस तरफ अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको कोई परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। देखिए, यहाँ कोई भी आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी होते हुए, अंडमान सागर होते हुए, यहाँ सब आपका ही कब्जा है लगभग। तो यहाँ से आसानी से आप व्यापार कर सकते हैं इन सभी देशों से, समझ रहे हैं? और बाकी आपको अगर इस तरफ जाना होता है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इस तरह आपको देखते हैं कि यहाँ से आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि POK वाले हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। चाइना से हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि चाइना से हमारे रिश्ते खराब चल रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि ईरान में भी चाइना अपना दबदबा कायम करने लगा है। यहाँ हम लोगों ने चाबहार बंदरगाह पोर्ट बनाया हुआ था, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि अभी पूरी तरह से चालू नहीं हो पाने के कारण वहां भी आप देखते हैं कि भारत ठंडा होकर काम कर रहा है, यानी कि बहुत टाइम लगा रहा है, यहाँ भी आप देखते रहते हैं। तो ये इन देशों से आसानी से व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं, एक तरह से पड़ोसी ही कहिए आप लोग। भारत आसियान व्यापारिक संबंधों में प्रमुख चुनौतियां अगर समस्याएं देखें, तो आसियान देशों के साथ किए गए FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता
आसियान देशों के साथ किए गए एफटीए के परिणाम भारत के लिए सकारात्मक नहीं रहे हैं। इससे भारत में के निर्यात में उस मात्रा में वृद्धि नहीं हुई जिस मात्रा में आयातों की वृद्धि हुई। इसका व्यापार प्रमुख का कारण यह था कि भारत को अन्य आसियान देशों की तुलना में करों में ज्यादा कटौती करनी पड़ी है एवं व्यापक मात्रा में उत्पादों को आयात शुल्क से मुक्त करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर आसियान देशों से समुचित समर्थन नहीं मिला है। उदाहरण के लिए आसियान देशों के साथ एफटीए के तहत भारत ने 74% उत्पादों को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया ने सिर्फ 50% उत्पादों के आयात को शुल्क मुक्त किया है, जबकि उस समय इंडोनेशिया की हालत आर्थिक हालत भारत से बेहतर थी। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत के घरेलू उद्योग प्रभावित हुए और आसियान देशों के सामने सामानों से भारत बाजार पट गया। वहीं दूसरी ओर भारतीय निर्यात को भी कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। एक तरह से आप इस तरह से ले सकते हैं कि देखिए आपके यहाँ चाइनीज फोन आ रहे हैं, ये सस्ते बिकते हैं, सस्ते बिकते हैं तो आप लोग ज्यादा खरीदते हैं। आप सोचिए आपके यहाँ अगर कोई फोन बने और वो 15,000 का रेंज में हो, 15,000 की रेंज में, वही फीचर्स हो आपके, वो बेहतर फोन हो चाइनीज, वो 5 से 7 हज़ार रुपये में दे रहा है, तो आप कौन सा मोबाइल खरीदना पसंद करेंगे? चाइनीज फोन खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि चाइनीज फोन पर टैरिफ यानी कि टैक्स लगा के भारत सरकार 20,000 का कर दे और आपका फोन 15,000 का, भारतीय फोन 15,000 करेगा, तो आप नॉर्मल सी बात है कि आप अपना फोन खरीदेंगे। और जब सस्ते सामान मिलने लगते हैं तो जो हमारे घरेलू उद्योग होते हैं धंधे, वो चौपट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जब सामान नहीं बिकेगा तो उत्पादन किस लिए करेंगे, समझ रहे हैं? भारत के उद्योग जगत के द्वारा आसियान देशों के साथ हुए एफटी एक ही समीक्षा की लगातार मांग की जाती है। भारत सरकार के द्वारा भी वर्तमान में इसके समीक्षा पर बल दिया जा रहा है एवं आसियान देशों के साथ कई दौर की वार्ताएं इसको लेकर लगातार चल रही हैं, लेकिन अभी भी कोई समग्र निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सका। चीन की मुखर सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक वृद्धि के कारण तेजी से बदल रहे भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत ने आसियान के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अधिक गतिशीलता प्रदान की है। दक्षिण चीन सागर में तेल, गैस, खनिज और मत्स्य संसाधन के स्वामित्व, नियंत्रण, उपयोग, दोहन का मुद्दा चीन और वियतनाम, फिलीपींस, बुनेई, मलेशिया जैसे कई आसियान देशों के बीच एक प्रमुख विवाद के रूप में उभर रहा है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, यह है आपका दक्षिण चीन सागर, देखिएगा। और याद रखिए, चीन की जितने भी सीमाएं, जितने भी देशों से सीमाएं लगती हैं, सभी से बराबर विरोध, यानी कि इनका आपसी जो भी तालमेल है वो सही नहीं है, सबसे इनका विवाद चल रहा है सीमाओं को लेकर। यहाँ दक्षिण चीन सागर को देख सकते हैं, यहाँ भी अपना कब्जा ठोकता रहता है चीन, तो यहाँ भी देखते हैं विवाद देखने को मिलता रहता है। इस मुद्दे ने आसियान को विभाजित किया है, उनके बीच एकमत नहीं है। दक्षिण चीन सागर भारत के लिए आर्थिक महत्व का है क्योंकि इस क्षेत्र पर 40% से अधिक व्यापार निर्भर है। भारत द्वारा सहयोग के आधार पर इस क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन संसाधनों का भी दोहन किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा भी आवश्यकता है। हालांकि इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के संबंध में भारत के प्रयास चीन के प्रभुत्व की तुलना में नगण्य, यानी कि ना के बराबर है। इसलिए भारत को नियम आधारित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आसियान देशों के साथ अधिक से अधिक गठबंधन करना होगा, यानी कि उन्हें लेकर चलना होगा। आर्थिक चुनौतियां, भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार समझौता संतुलन प्रतिकूल दिशा में, भारत ने सीईपी समझौते से किनारा कर लिया है क्योंकि यह चीन और आसियान देशों के साथ भारत के व्यापार घाटे को और बढ़ा सकता था। घरेलू स्तर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सुधार करके और व्यवसाय सुगमता तथा निवेश प्रवाह को बढ़ावा देकर इस चुनौती का समाधान किया जा सकता है। एमएसएमई की को सहायता प्रदान करके और घरेलू बाजार कनेक्टिविटी में सुधार करके घरेलू आर्थिक विकास की गारंटी दी जा सकती है। इसके अलावा भूमि श्रम कानूनों को सुधार किया जाए तो भी देश के भीतर व्यापार गतिविधियों में सुगमता आएगी। बुनियादी ढांचे में सुधार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर भी इस समस्या को तेजी से हल किया जा सकता है। अप्रभावी वार्ताएं, इन देशों के साथ कई द्विपक्षीय समझौतों को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है, जैसे कूटनीतिक संबंधों में बाधा उत्पन्न करने वाले विभिन्न पहलुओं निराकरण किया जा सकता है। क्विड प्रो क्विड के सिद्धांत के
के आधार पर लचीली द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ाने से भारत और आसियान संबंधों को और भी बेहतर किया जा सकता है। विलंबित परियोजना, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। हालांकि भारत चीन की तुलना में परियोजनाओं को पूरा करने में देर लगाता है। दूसरी ओर चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना के माध्यम से इन देशों का विश्वास हासिल करने में सक्षम है। सबसे बड़ी पता है हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है कि ये भी जहां भी परियोजनाओं का कार्य करता है बहुत टाइम लगाता है और बाकी देश देखते हैं कि बहुत जल्दी अपनी परियोजनाओं को पूरा कर लेते हैं। इससे भी हम देखते हैं कि हमारे साथ समझौता करने में कई देश हिचकिचाते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगाने से क्या होता है कि खर्च भी बढ़ जाता है और आप सोचते हैं कि हर काम आदमी चाहता है जल्दी से जल्दी हो जाए। यही हाल तो देशों का है। भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे भारत न केवल चीन का मुकाबला करने में सक्षम हो पाएगा बल्कि पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित कर पाएगा। कनेक्टिविटी में सुधार से आसियान देशों के साथ व्यापार और पर्यटन संबंधों में भी सुधार होगा। भारत और आसियान देशों के बीच मजबूत समुद्री संपर्क भारत आसियान व्यापार की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। समुद्री संपर्क बढ़ाने से रास्ता लॉजिस्टिक्स मिलेगा और राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में वृद्धि भी होगी। अब बात करते हैं महामारी समय में भारत आसियान भागीदारी की। तो नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप से चल रहे संकट का दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और आजीविका पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ रहा है और वस्तुओं सेवाओं का प्रभाव बाधित हुआ है। भारत आसियान एफटीए की वर्तमान में समीक्षा की जा रही है। इसमें आर्थिक सुधार में मदद के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने और साथ ही उन क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने की आवश्यकता है जहां उभरते आर्थिक वातावरण में अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय आपके देश की विकास दर 7.45 हुआ करती थी। आज कई रेटिंग एजेंसियों ने कह दिया है कि आपका 1 से 1.5% या फिर बहुत से बहुत 2.5% तक आपकी विकास दर रहेगी। समझ रहे हैं? मतलब कितनी बुरी तरह से अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित हुई है। वैसे आपकी अर्थव्यवस्था पहले ही से ही खराब स्थिति में चल रही थी कोरोना महामारी के आने के पहले से, लेकिन जितनी उसमें कमी बची हुई थी वो कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। भारत आसियान के बीच कृषि व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि यह क्षेत्र एफटीए पर हस्ताक्षर करने से पहले भी बढ़ रहा था। आसियान से कृषि उपजों जैसे कॉफी, रबर, चाय, काली मिर्च और वनस्पति तेल के आयात का भारत के कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए भारत द्वारा आसियान के बहुत से कृषि उत्पादों को संवेदनशील सूची में शामिल किया गया है। बदले में आसियान के सदस्य राष्ट्रों ने भी चावल और शक्कर को अपनी संवेदनशील सूची में रखा है। हाल ही की जनवरी 2020 में भारत ने इंडोनेशिया के साथ अपना चावल, शक्कर और गोजातीय मांस के निर्यात को बढ़ाने के बदले अधिक मात्रा में उच्चतर गुणवत्ता के पाम ऑयल आयात बढ़ाने का सौदा भी किया है। इसके अलावा COVID-19 के प्रकोप के कारण थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया ने अन्य आसियान देशों को चावल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस तरह की एकतरफा कार्रवाई ने चावल आयात करने वाले आसियान देशों को भारत से आयात बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। मई 2020 में मलेशिया ने भारत से 1 लाख कितना 1 लाख टन चावल आयात करने के अनुबंध का रिकॉर्ड दर्ज किया है। मलेशिया द्वारा यह खरीद पिछले 5 वर्षों में भारत से आयातित चावल की औसत वार्षिक मात्रा का लगभग दोगुना है। भारत चावल के साथ कई अन्य कृषि उत्पादों को भी एक बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए आसियान के साथ प्राथमिक उत्पादों में अधिक व्यापार उदारीकरण भारत के निर्यात में एक बड़ा उछाल ला सकता है। साथ ही इससे द्विपक्षीय व्यापार को भी संतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा कोरोना महामारी के संकट में कुछ आसियान देशों में खाद्यान्नों की कमी को भी उजागर किया है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा आसियान देशों को कृषि उत्पाद के निर्यात में विचलित व्यापार बाधाओं पर भी गंभीर विचार करने की किए जाने की आवश्यकता है। गहन सहयोग का एक अन्य क्षेत्र सूचना और प्रौद्योगिकी है, साइंस एंड टेक, जो सभी आर्थिक गतिविधियों के भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर COVID-19 के बाद के समय में, जब आप जानते हैं कि COVID-19 एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसका महत्व और बढ़ जाएगा। चूंकि भारत सॉफ्टवेयर विकास और अन्य आईटी सेवाओं में विश्व का एक अग्रणी देश है, जबकि आसियान क्षेत्र का दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं का शुद्ध आयातक है।
दोनों के बीच यह स्थिति अधिक से अधिक सहयोग का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा भारत आसियान के बीच सेवा व्यापार, निवेश व्यापार समझौते से सहयोग की अपार संभावना बढ़ी है, जिनका अभी तक पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में सहयोग आसियान भारत आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया में मदद के लिए महत्वपूर्ण होगा। वित्तीय तंत्र का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह व्यापार लेन देन के लिए सुविधाजनक भुगतान विकल्पों को सक्षम बनाएगा। मौजूदा महामारी से उत्पन्न आर्थिक अवसान में से उभरने के लिए भारत आसियान आर्थिक साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। महामारी से पहले भी बढ़ती संरक्षणवाद और प्रतिकूल राजनीतिक विकास के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तनाव में थी। इसके अलावा कोविड-19 ने एकल स्रोत निर्भरता जैसी मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़ी खामियों का खुलासा किया, जिसकी वजह से दुनिया भर में उत्पादन और आपूर्ति थम गई है। इसलिए महामारी के प्रसार के अनुभवों ने एक लचीली और अनुकूलनीय आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाने को मजबूर किया है। भले ही इसकी लागत अधिक होगी, चूंकि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहता है, इस महामारी से उत्पन्न परिस्थितियां भारत के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करती हैं। इसके लिए आसियान भारत के लिए एक आदर्श भागीदार हो सकता है, क्योंकि विश्व में इसका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भागीदार सूचकांक उच्चतर है। भारत और आसियान को आगामी आर्थिक एकीकरण को देखते हुए अपनी क्षेत्रीय मूल श्रृंखला का निर्माण भी करना चाहिए। लास्ट में कह सकते हैं कि इसमें निष्कर्ष था, क्या कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद के समय में संरक्षणवाद के साथ साथ क्षेत्रवाद और बढ़ने की संभावना है, और देश अपनी आपूर्ति मांग के लिए अपने पड़ोसियों को वरीयता देंगे, जिससे अधिक से अधिक अंतर क्षेत्रीय व्यापार का अवसर भी बढ़ेंगे। आप सोचिए, जैसे ही कोविड-19 का प्रकोप खत्म होगा तो हर देश चाहेगा कि हमारे यहाँ अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेगा, अपने यहाँ के लोगों की स्थिति सुधारने की कोशिश करेगा। आसियान देश प्रमुख उष्णकटिबंधीय और संक्रामक रोगों के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में नए नहीं और अतीत में गहन लचीलापन दिखाकर इससे उबरने में सक्षम रहे हैं। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था भी महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है, इसलिए आसियान आर्थिक सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भागीदार साबित होगा। पिछले पिछले एक दशक में आसियान और भारत के बीच आर्थिक साझेदारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए महामारी से उबरने के लिए व्यापार और निवेश के अधिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए गहन सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये कहानी है आपके आसियान भारत और आसियान व्यापार की, मुक्त व्यापार। ठीक है।